माय चैनल। आज हम इस ड्रामा के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप इसके पिछले दोनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में माय फर्स्ट किस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि दुहुन को ऐसा रोता देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। दुहुन उन्हें बताती है कि मैंने एक बार भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो नहीं किया है। युसोल कहती है कि ऐसा हो जाता है, बताओ तो आखिर हुआ क्या। तब दुहुन उन्हें सब बताती है। कुछ देर पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे बुके देता है और फिर वो दोनों अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करने के लिए एक होटल में जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दोनों वापस आ जाते हैं। जाने से पहले तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते हैं। अब घर में युसोल कहती है कि शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए ये सब हो गया, तुम्हें और एफर्ट करने चाहिए। दुहुन कहती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। हेयंग कहता है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्ट्रेस में आ गया होगा। दुहुन चिढ़ते हुए कहती है कि वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। हेयंग कहता है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। दुहुन उन दोनों को बताती है कि हम लोगों ने पूरा मूड सेट कर लिया था, लेकिन जैसे ही हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ जाने लगे, मेरे पैर अपने आप कांपने लगे। सारी गलती मेरी है, लगता है कि मुझ में ही कोई बीमारी है, शायद मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों बातें चेंज करके दुहुन को ड्रिंक कराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद युसोल कहती है कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर तुम डर क्यों रही हो। दुहुन कहती है कि मुझे इसी बात का तो डर है, अभी हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन हमारा फिजिकल रिलेशनशिप ना बनने की वजह से अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा। युसोल कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक लूजर है, फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से अपना मूड कौन चेंज करता है। वो दोनों चौंकते हुए युसोल को देखते हैं। दुहुन कहती है कि तुम्हें ये बात कहने का कोई हक नहीं है, तुम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती हो। मैं तो ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे फेस करूँगी, वो बेचारा हमेशा मुझे समझाता है और हमेशा वो कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। तुम तो बस यही सोचती रहती हो कि वो लड़का अच्छा किसर होगा या नहीं। ये सब सुनकर युसोल सोच में पड़ जाती है। तभी दुहुन का बॉयफ्रेंड मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। हेयंग पर्दा उठाकर देखता है तो सुबह हो गई होती है। दुहुन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। युसोल और हेयंग रामन बनाने लगते हैं। युसोल उससे जिंजू के बारे में पूछती है। हेयंग उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे डंप कर दिया। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मुझे डंप किया है। ये सुनकर युसोल चौंक जाती है। वो कहती है कि लाइफ में पहली बार तुम्हें किसी ने डंप किया है, ये सुनकर मैं हैरान हूँ। वो कहता है कि जिंजू को मुझे किस करना पसंद नहीं है, उसने कहा है कि किस करते हुए मेरी तरफ से उसे कुछ फील नहीं होता। युसोल कहती है लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। दूसरी तरफ दुहुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो कहती है कि हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। वो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो कर सकती हो, बाकी हम सब बाद में देखेंगे। ये सुनकर दुहुन काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ घर में युसोल और हेयंग रामेन खा रहे होते हैं। तभी हेयंग मजाक में उससे कहता है कि तुम बहुत अगली लग रही हो। वो कहती है कि मैं अगली नहीं हूँ, बल्कि चश्मे में ऐसी लगती हूँ। हेयंग को अभी भी अपना मजाक बनाता देखकर वो गुस्से में उसे अपना चश्मा पहनाती है। उसे चश्मा पहनाते ही युसोल को हेयंग में उसे किस करने वाले की इमेज दिखने लगती है। फिर वो चुप होकर गहरी सोच में डूब जाती है। उसे ऐसे चुप देखकर हेयंग भी सक पका जाता है। बाद में अपने घर जाकर युसोल फिर से पार्टी की फोटोज देखती है। वो फिर से सारी बातें याद करती है। उसे अभी भी हेयंग से उस किसर की फील आ रही होती है। पहले तो वो युनवू के बारे में सोचती है, लेकिन उसे तो वो किस कर चुकी होती है। फिर भी वो युनवू को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में रखती है। दूसरा नंबर जिंजू का होता है, लेकिन वो उस दिन 12 बजे ही चली गई होती है, तो उसे वो सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है। फिर जब वो तेसंग की फोटो देखती है तो उसे ध्यान आता है कि तेसंग के हाथ में तो तिल नहीं है, तो उसे भी वो लिस्ट से बाहर कर देती है। अब उसका पूरा शक हेयंग पर जाता है। वो सोचती है उसके लिप्स काफी सॉफ्ट है, लेकिन उसके हाथ में तिल है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन चश्मा पहनकर तो मुझे उससे उस किसर की फील आ रही थी और उससे स्मेल भी वैसी ही आ रही थी।
ये सब सोचकर यूसॉल हेयंग को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। इसके बाद उसका बाकी लोगों के साथ फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वहाँ केवल वो और युनवू आते हैं। उसे वहाँ देखकर यूसॉल को काफी ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अपना प्रोजेक्ट करने लगती है। युनवू को देखकर उसे तुहुन की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हारे दिल में युनवू के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुमने बस उसे इसलिए किस किया क्योंकि तुम उस किसर को ढूंढना चाहती थी। ये सोचकर उसे और भी अजीब लगने लगता है। फोटो क्लिक करते हुए उसे जिंजू एक गोलू मोलू लड़के के साथ दिखती है। वो सोचती है कि क्या इसने इतनी जल्दी दूसरा बॉयफ्रेंड बना भी लिया। वो छुपकर उन दोनों पर नजर रखने लगती है, और ठीक इसी टाइम युनवू उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम अभी भी मुझे उस किस की वजह से अवॉइड कर रही हो। यूसॉल कहती है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और फिर वो यूसॉल का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन उस दिन की किस के बाद मैं श्योर हो गया हूँ। क्या तुम्हें उस दिन कुछ फील नहीं हुआ, मुझे सच सच बताना। वो थोड़ा रूडली कहती है कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ये सुनकर युनवू अचानक से सैड हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। शाम को वो हेयंग को मैसेज करती है, लेकिन जब वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो यूसॉल उससे मिलने जाती है। बार के बाहर वो हेयंग और जिंजू को एक साथ देखती है। जिंजू उसके गाल खींच रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर यूसॉल के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि हेयंग ब्रेकअप के बाद बहुत परेशान रहा होगा। उसे याद आता है कि पार्टी वाले दिन तो उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था, और आज दिन में ही उसने जिंजू को दूसरे लड़के के साथ देखा था। वो सोचती है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर वो उन दोनों से मिलने जाती है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो जिंजू से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, और मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत खास फ्रेंड है, तुम इसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती हो। हेयंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यूसॉल उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम चुप रहो। फिर वो जिंजू से कहती है कि तुम दिन में किसी और के साथ थी, और अब तुम इससे मिलने आ गई हो। ये सुनकर जिंजू चौंक जाती है। जिंजू कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। यूसॉल को याद आता है कि जिंजू ने ये तो कहा था। वो जिंजू से कहती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहती थी। हेयंग जिंजू को कुछ भी कहने से मना करता है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंजू के साथ दिन में था। वो हेयंग को बुलाता है। उसे वहाँ देखकर यूसॉल हेयंग को खींचकर भागने लगती है, और वो लड़का उन दोनों के पीछे भागता है। एक जगह रुककर यूसॉल सोचती है कि अब मैं क्या करूं? अगर इन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा। हेयंग को तो लड़ना भी नहीं आता है। हेयंग पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैंने कोइंसिडेंसली जिंजू को दिन में उस लड़के के साथ मिलते देखा था, और वैसे ब्रेकअप के बाद तुम उससे मिल क्यों रहे हो, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। अगर उस लड़के को पता चला कि तुम जिंजू से मिल रहे हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तभी उस लड़के को आता देखकर यूसॉल अचानक से हेयंग को किस करने लगती है। उस लड़के को लगता है कि वो कोई और है, तो वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जिंजू उसे मारते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ऐसे लोगों के पीछे भागने से मना किया है, ऐसे तुम बहुत डरावने लगते हो, सब तुमसे डर जाते हैं। वो लड़का कहता है सिस मुझे ये बात पता है, क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था जिससे ब्रेकअप के बाद तुम फूट फूट कर रो रही थी। ये लड़का जिंजू का भाई होता है। वो कहती है कि ये वो नहीं था। उसका भाई पूछता है तो फिर वो कौन था। जिंजू कहती है कि उसे खुद ये बात नहीं पता कि वो किसे पसंद करता है। फिर वो अपने ब्रेकअप के दिन का याद करती है। हेयंग उससे पूछता है कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो, क्या मैंने कुछ गलती की है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसे पसंद करते हो, और मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। जिंजू बड़े प्यार से कहती है तुम बहुत बड़े इडियट हो, इसलिए तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ मैं सब कुछ खो दूँ। वो कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें खो रहा हूँ। जिंजू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ किस करना एंजॉय नहीं करती, इसमें ना कोई इमोशन होता है और ना ही कोई एक्साइटमेंट होता है, तुम तो बस ऐसे किस करते हो जैसे तुम कोई काम निपटा रहे हो, इसलिए मैं ये रिलेशनशिप एंड कर रही हूँ। गौर से सोचो कि तुम्हारा दिल किसे चाहता है। उसके जाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसॉल अभी भी उसे किस कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उनका पीछा करने वाला लड़का चला गया है।
जब वो हेयंग को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। वो उसे थैंक्स कहता है। युसोल कहती है कि हमारे बीच अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वो हाँ में जवाब देता है। युसोल कहती है कि वैसे भी किस करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है और मैंने इमरजेंसी में ये सब किया। घर लौटने के बाद दोनों के दोनों किसकी बात याद करके कुछ अलग ही फील कर रहे होते हैं। तभी युनवू युसोल को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। युसोल उससे मिलने जाती है। वो युसोल से पूछता है कि क्या हम फिर से एक बार किस कर सकते हैं, और ऐसा कहकर वो युसोल को किस करना चाहता है। लेकिन इस टाइम युसोल को उस किसर और हेयंग की याद आने लगती है। वो युनवू से कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो सोचती है कि इस टाइम मैं हेयंग के बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर वो युनवू को सॉरी कहती है। वो कहता है कि क्या सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? क्या हम ऐसे दिखा पाएंगे कि पहले हमने कभी किस नहीं की? जो किस करते हुए हमने फील किया उसका क्या होगा? उस दिन के बाद तुमने कॉल और मैसेज नहीं किया। मैं सोचता रहा कि क्या मैं तुम्हें कॉल बैक करूं? पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी। तुम हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? युसोल के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो उसे सिर्फ सॉरी कहती है। युनवू उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो फिर मैं तुम्हें लाइक करता रहूंगा। वन साइडेड लव के लिए किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं होती है। मैं भी तुम्हारी तरह जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। इसलिए पहली और आखिरी बार मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने दो। वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तो तुम पहले मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए हो। युनवू कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक सब कुछ याद नहीं आया? उस दिन मैंने तुम्हें घर नहीं छोड़ा था। वैसे मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, उस दिन तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें घर छोड़ा था। युसोल चौंकते हुए पूछती है, क्या हेयंग ने मुझे घर छोड़ा था? वो कहता है, अब तुम्हारी क्लिप को देखकर मुझे याद आया कि तुमने इसे बार की होल में डालकर मोड़ दिया था। युसोल को भी याद आता है कि उसे अपनी क्लिप हेयंग के घर में मिली थी। बाद में घर में वो सोचती है कि हेयंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो उसे कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या उस दिन युनवू ने ही मुझे घर छोड़ा था? वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे ये बताया था। वो पूछती है कि क्या उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के बाद वापस आए थे? वो कहता है कि मैं वापस नहीं आया था। लेकिन युसोल को युनवू की बात याद आती है कि उस दिन हेयंग वापस आया था। फोन काटने के बाद वो सोचती है कि आखिर ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो फिर से सारी बातें याद करने लगती है। वो अपना सामान देखकर सोचती है कि अब सारी गुत्थी सुलझ रही है। क्लिप को देखकर वो सोचती है कि अगर हेयंग उस दिन वहाँ नहीं था तो उसे कैसे पता चला कि मैंने की होल में डालकर ये क्लिप मोड़ दी थी। वो सोचती है कि इसलिए वो पूछ रहा था कि मुझे उस किसर के बारे में कितना याद है, और क्या इसलिए उसने पूछा कि वो किस मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। वो बार की तरफ जाते हुए सोचती है, तो इसलिए वो किसर मुझे इतना जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन हेयंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बार में पहुँचने के बाद वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो हेयंग को चश्मा पहनाती है। अब हेयंग को देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसके लिप्स सॉफ्ट होते हैं। उससे पहले भी किसर जैसी स्मेल आ रही थी। उसके हाथ में भी तिल था और उस पर चश्मा भी फिट बैठ रहा था। ये सब देखकर वो फिर से उसे किस करती है। हेयंग उसे अपने से अलग करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, उस दिन तुमने ही मुझे किस की थी। हेयंग मना करता है। वो कहती है कि ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने ऐसा क्यों दिखाया जैसे कि तुम इस बारे में जानते ही नहीं हो? हेयंग कहता है, क्योंकि मैं उस लम्हे को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।